लगभग 27 से लगभग 30 साल मान के चलो मैं यहाँ पर रेगुलर रह रहा हूँ। सबसे बड़ी तो बहुत दुख है कि जो पंजाब के माननीय उस्ताद जनाब सरदूल सिकंदर जी इस दुनिया को अलविदा कर गया और पंजाब संगीत के सबसे भारी नुकसान होया। मेरे पिताजी है था रहेगा, मेरे पास कुछ लफ्ज ने कुछ यादें ऐसे हैं जो मैं बयां कर रहे हैं आज। 94 से पहले मैं जनाब चरणजीत ओझा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली संगीत का रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करता था। उस दौर में पंजाब के जितने महान हस्ती थे, हंसराज, हरभजन मान, सतविंदर बुग्गा, गुरविंदर सिद्धू, कमलजीत नीडू, ये सारे आर्टिस्ट उस समय बहुत बिजी थे रिकॉर्डिंग में और मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का था, वहाँ पर पेन काम में करता था। तो ये जब जाते थे तो अक्सर बोलते थे यार वो गणेश और वहाँ पर जो काम करने वाले आर्टिस्ट थे और म्यूजिशियन भाई रिकॉर्डिस्ट मास्टर वो बोलते थे तुमको वो बहुत याद करता। मैं बोलते कौन सर, वो जो आते ना पंजाब से लंबे लंबे बाल वाला, उन चीज़ से मैं मतलब तब इनको जानते थे क्योंकि नाम नहीं रहता था पंजाब में आर्टिस्ट के नाम, मैं भूल जाता था क्योंकि मेरा बचपन था। तो अच्छा वो जो लंबे लंबे बाल वो सरदूल सिकंदर जी, बोलते हाँ जी हाँ जी। तो बोलते हैं एक रोज अचानक ये चले गए तो बोलते हैं कि बेटा आप क्या बनाए हो खाना। मैं बहुत असमर्थ सा हो गया कि मैं इनको क्या बताएं क्योंकि मैं खाना बिहारी आदमी हूँ, मैं खाना बनाया था सिंपल सी खिचड़ी और आलू की चटनी हम बोलते हैं वो बनाया था। तो बोलते हैं जो बेटा ये क्यों क्या होता है आलू की चटनी। मैंने बोले सर हम लोग आलू के जो जैसे आपको बैंगन की भरता होते ना ऐसे आलू को उबाल के चटनी बनाया हूँ और खिचड़ी सिंपल बनाया। तो बोलते हैं यार वो तो मेरा फेवरेट चीज़ है आप ले आओ। मैं शरमाए जा रहा था कि यार ये मैं देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोले सर मैं और कुछ बना लेता हूँ। बोलते जो आप खा रहे हो या खाए हो या जो बचा बुचा है वो ले आओ। इतना निम्रता मेरे पास लफ्ज नहीं है। तो मैं दिया इनको, आप बड़े चाह से खाया, वो मेरी यादगार आज तक है। और 27 साल में आज तक मुझे कभी तू करके नहीं बोला। सबसे अच्छी बात यह है जो जनता प्यार करते हैं उनके लफ्जों के गायकी के तो करते ही है, लेकिन जितनी अच्छी उनकी गायकी था उससे कई गुना मैं बोलता हूँ इंसान बहुत अच्छे इंसान था। ये मेरे यादगार सारी जिंदगी रहेंगे और इनके जाने से ये संगीत जगत के बहुत बड़ा घाटा है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ।